हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जापान में री इंटर कैसे करना है। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी कंट्रियों में से जो भी लोग आना चाह रहे हैं जापान, उसके लिए तो ट्रेवल बिल्कुल ही बैन है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ कंट्री ऐसी है जहां से आप इजी वे पे आ सकते हो। बस थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि आपको वहां पे 14 दिन जो है क्वारंटीन अपने आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद वहां आपकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव हो ही जाइए। तो मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के नियर बाय जो कंट्री पड़ती है, जैसे कि दुबई, थाईलैंड, तो वहां के थ्रू आप जा सकते हो। थाईलैंड में आपको ये पता है कि थाईलैंड जो है वो इंडियन पासपोर्ट को जो है वो देती है बिल्कुल ऑन अराइवल वीजा, ऑलमोस्ट वीजा फ्री ही है। आप समझो 14 दिन का स्टे आप कर सकते हो अगर आपको बहुत जरूरी है, अगर आपको जापान आना, आपका लॉस हो रहा है, वर्क लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है। वर्किंग वीजा वाले जो मेरे भाई हैं वो थाईलैंड जाएं, थाईलैंड में 14 दिन रहें, 14 दिन रहने के बाद अपने आप को प्रूफ करें कि आप 14 दिन वहां पर रह चुके हो, देन आपकी जो कोरोना की टेस्ट है वो रिपोर्ट आनी चाहिए 48 घंटा पहले की, देन आप फ्लाइट वहां से लें और आप जापान आए। बाकी जो प्रोसीजर है जापान में आने के बाद, कुछ क्वारंटीन का सिस्टम है कि आपको घर में क्वारंटीन रहना पड़ेगा, तो वो एक फॉलो करना पड़ेगा आपको। थोड़ी डिफिकल्टी है दोस्तों, बट यू कैन इंटर इन जापान वेरी इजी वे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब कि अगर आप थाईलैंड में या फिर दुबई में रहते हो तो थोड़ा सा आपको खर्च आएगा उसमें। तो होपफुली बहुत भाइयों को इसमें से हेल्प मिलेगी। जो गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस किया था कि भाई इस कंट्रियों के अंदर से अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रियों को उसने फ्री दे रखा था कि अगर इस कंट्री से लोग आते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं जापान। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसी लगी, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ विदा लेता हूँ, बाय बाय।